So in this video we are going to discuss about the importance of SQC. कि basically आपकी statistical quality control की importance क्या है आपकी organization में. The first is it saves on rejection. कि ये हमें rejection से save करता है. कैसे? See, in the absence of SQC, many products may be found defective and worthless at the end of the manufacturing process. Okay, so SQC helps in measuring the extent of defect and try to improve them by reworking to the extent of acceptable standard. It means that basically, कि अगर हम क्या करते हैं, SQC से हम various statistical tools का use करते हैं, जो हमारे organization में basically जो आपके product हैं या services हैं, उसकी quality को evaluate करने के लिए use किए जाते हैं. कभी-कभी क्या होता है, जब हमारी organization में SQC मेंटेन नहीं किया जाता है तो हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो हमें कब पता चलते हैं एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता चलते हैं. तो जब एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमें इन सारे डिफेक्ट्स के बारे में पता चलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरी की पूरी लॉट को रिजेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्टेज ज्यादा होती है और रिजेक्शंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. बट SQC में क्या होता है, SQC में आपकी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक टेक्निक होती है जिसमें आपकी बेसिकली सैंपल से ही चेकिंग करनी शुरू हो जाती है, या प्रोसेस एक प्रोसेस चेकिंग टेक्निक होती है जिसमें हम प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको चेक करते हुए चलते हैं कि एक प्रोसेस कंप्लीट हुई, देन दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, तब हमने उसको इवैल्यूएट किया. उससे क्या होता है कि हमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो उनका आइडिया पहले ही लग जाता है. अगर हमारी एक प्रोसेस के बाद कोई डिफेक्ट आया तो हमें उसका आइडिया पहले ही लग जाएगा क्योंकि हम प्रोसेस में चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमें एक प्रोसेस के खत्म होने के बाद हमारे डिफेक्ट्स का आइडिया लग गया तो हम उस डिफेक्ट्स को वहां पर सही कर सकते हैं, दोबारा से रीवर्किंग उस पर कर सकते हैं. बट अगर हमें वही डिफेक्ट एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता चलता है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि पूरी की पूरी लॉट को रिजेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी वेस्ट होती है, दूसरा आपका जो भी मटेरियल होता है उसकी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है. क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी वहां पे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी वेस्ट हो रही है और आपकी वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हो रही है. ओके, नेक्स्ट इज मेंटेन हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. सी SQC इंश्योर दैट लो स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर इम्प्रूव्ड और रिजेक्टेड बट इन नो केस सोल्ड इन द मार्केट. इट हेल्प्स इन गेनिंग गुडविल ऑफ द फर्म. कि बेसिकली आपकी SQC क्या करते हैं, SQC आपके हेल्प करते हैं कि आपके जो भी लो स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए. पहला चीज जो होती है SQC में वो ये ट्राई करती है SQC के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की हमारा जो भी लोअर स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकें, हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट कर सकें. और इन केस अगर वो हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर हम उस पूरे मटीरियल को रिजेक्ट कर दें. बट किसी भी केस में आपका वो रिजेक्ट जो आपका डिफेक्टिव मटीरियल है या लो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड का मटीरियल है वो मार्केट में सप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिकली हम चार्ज बनाते हैं. जब हम SQC में अभी आगे डिटेलिंग में बात करेंगे तो हम इसमें चार्ज बनाते हैं जिसमें हम अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंट्रल लाइन, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं, जिसमें हमें ये जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आया है वो हमारी क्वालिटी के हिसाब से है या नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं वो लोअर कंट्रोल लिमिट के भी नीचे चला गया है. अगर कोई प्रोडक्ट आपके लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे चला जाता है, जब आपके लोअर स्टैंडर्ड हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई नहीं किया जाता है. तो SQC की हेल्प से या तो हम लोअर स्टैंडर्ड को हायर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हम पूरी की पूरी लॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज SQC में आपकी किसी भी तरह से मार्केट में जो आपकी गुडविल मेंटेन की हुई है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है. क्योंकि अगर एक बार आपकी मार्केट में गुडविल से कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया तो आपकी जो भी ब्रांड वैल्यू है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी. सपोज अगर आप एक बार पीटर इंग्लैंड की शर्ट लेके आते हैं और शर्ट में कोई डिफेक्ट निकल आया तो ऑब्वियसली बात है कि पीटर इंग्लैंड की पूरी गुडविल खराब हो जाएगी, जस्ट बिकॉज उसमें डिफेक्ट है. इसलिए आपको कभी भी ब्रांडेड क्लॉथ्स में या किसी भी ब्रांडेड चीज में किसी भी तरीके का डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होता है. जस्ट बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांड वैल्यू को, अपनी गुडविल जो उसने मार्केट में एस्टेब्लिश किया उसको स्पॉइल करना नहीं चाहती है. सो SQC में भी यही किया जाता है कि या तो आप अपने प्रोडक्ट की जो लोअर स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसे हायर स्टैंडर्ड क्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अदरवाइज आप रिजेक्शन कर दो, लेकिन किसी भी तरीके से डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑफ इंस्पेक्शन. SQC हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड
enable the product to be manufactured at lower cost. देखो आपकी जो भी SQC होता है वो क्या करता है, reduce करता है सारे expenses को जो आपके inspection से deal कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई अलग से inspection नहीं करना. हमारा जब इस SQC को हम employ कर देते हैं organization में, तो हमारी process by process inspections होके चलते हैं. दूसरी चीज, आपकी process by process inspection अगर नहीं भी हो रहा है तो आपकी acceptance sampling जब की जाएगी तब आपके इंस्पेक्शन कर लिए जाएंगे. तो आपका जो अलग से आपको इंस्पेक्शन करने पड़ते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लाइक हमें क्वालिटी सर्कल की अगर मैं बात करती थी तो हमें वहाँ पे एक अलग से ग्रुप मेंटेन करना पड़ा था क्वालिटी के रिगार्डिंग. तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप की मीटिंग हेल्ड की जाएंगी. ऑब्वियसली बात है, मीटिंग को हेल्ड करने में बहुत सारे, और मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. सो उन सारे एक्सपेंसेस को आपको यहाँ पे बियर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट बिकॉज SQC में आपकी ऑलरेडी इस तरह की टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जो प्रोसेस को चेक करते हुए चलती हैं, आपकी सैंपलिंग को चेक करते हुए चलती हैं. हम बेसिकली हमारे जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसमें से पर्टिकुलर सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उसको भी चेक करते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से आपके जो भी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. नेक्स्ट इज इंश्योर स्टैंडर्ड क्वालिटी. ऑब्वियसली बात है, एज आई टोल्ड यू कि आपका जो SQC होता है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है. किसी भी तरह से लोअर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है. अगर लोअर क्वालिटी है तो उसे हायर क्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है बाय री वर्किंग, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. ओके, सो आपका जो भी SQC होता है वो हमेशा इंश्योर करता है कि जो भी आपकी क्वालिटी हो, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, क्वालिटी को मॉनिटर किया जाए एंड क्वालिटी को इवैल्यूएट किया जाए. ओके, द नेक्स्ट इज फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर्स. सी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, सो एज द लेबर बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर्क इज कंटिन्यूसली इंस्पेक्टेड इन वेरी माइन्यूटली, देन दे वर्क मोर केयरफुली विद अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि उन्हें SQC में पता है कि उनकी जो भी काम है उसको हर एक aspects पे चेक किया जा रहा है, हर एक प्रोसेस पे चेक किया जा रहा है. तो जब उनको ये चीज का एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है कि हमारे वर्क को हर तरीके से इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग क्रिएट हो जाती है और वो अपने वर्क को और ज्यादा सीरियसली करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज उनका वर्क इंस्पेक्ट किया जा रहा है हर एक aspects पे. तो कहीं पे भी अगर डिफेक्ट निकलते हैं तो पार्टिकुलर एक उस लेबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां से कमी आई है. तो उस केस में आपके जो भी वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी जॉब के लिए. ओके, द नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज रिड्यूस. सी, अगर मैं टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन की बात करूं तो बाय यूजिंग एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, यानी कि आपके SQC में एक होता है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. सो विद द यूज ऑफ एक्सेप्टेंस सैंपलिंग कॉस्ट इन टाइम्स ऑफ इंस्पेक्शन इज रिड्यूस्ड, दैट हेल्प इन टाइमली डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट एट द लोअर कॉस्ट. आपकी जो भी टाइम और कॉस्ट होता है इंस्पेक्शन का वो रिड्यूस हो जाता है. सी, अगर एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप तब इंस्पेक्शन करते हो, तो एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब आप इंस्पेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पे टाइम भी कंज्यूम होगा और कॉस्ट भी कंज्यूम होगी, जस्ट बिकॉज इंस्पेक्शन की कॉस्ट आपको अलग से बियर करनी पड़ेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा. और जब तक सारी आपके गुड्स इंस्पेक्ट नहीं किए जाते तब तक आप उन्हें मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पे टाइम और कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं. तो यहाँ पे जब आप टाइम की बात कर रहे होते हो, तो जब टाइम ज्यादा लग रहा होता है तो टाइम की भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है. क्योंकि यहाँ पे जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप जल्दी डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो मार्केट में. अगर डिलीवरी आप जल्दी मार्केट में नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आपको टाइम कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ रही है. सो यहाँ पे इंस्पेक्शन में टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन कर रहे हो. बट SQC में क्या होता है, हमें एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमें इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो इंस्पेक्शन चल रहा होता है वो विद इन द प्रोसेस ही चल रहा होता है. जब हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी होती है वहां से बिगनिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक इंस्पेक्शन ही चलता रहता है. कभी एक प्रोसेस चेक की जाती है, देन दूसरी प्रोसेस चेक की जाती है, तो वहां पे अलग से इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ना तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और ना ही एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग. और आपका जब टाइम नहीं लग रहा है, कॉस्ट नहीं लग रही है, तो ऑब्वियसली बात है आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत जल्दी कर देते हो, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता है. ओके, द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइन कैन बी इम्प्रूव. सो प्रोसेस केपेबिलिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस
products within the tolerance limit specified in design. By analyzing process capability, the specification can be modified that help in improvement of the design. See, अगर मैं इस point को आपको अच्छे से explain करूँ तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी आपकी process capability होती है, वो ability होती है किसी भी product को produce करने के लिए, किसमें within tolerance limit, कि tolerance limit के अंदर आप कितने product को produce कर सकते हो. जो आपका design होता है वो specified होता है, पहले से specification दी होती है design के regarding. बट बाय एनालाइजिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, अगर हम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं, द स्पेसिफिकेशन कैन बी मॉडिफाइड, तो हम अपनी स्पेसिफिकेशन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करती है प्रोडक्ट के डिजाइन के इम्प्रूवमेंट में. क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले से प्रोडक्ट डिजाइन गिवन होता है जब भी हम प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, तो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. लेकिन अगर हम प्रोसेस कैपेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं एसक्यूसी के अंदर, तो अगर हम उसकी कैपेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें लगे कि हम अपने डिजाइन को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रोसेस और अच्छी बन सकती है, हम अपने प्रोडक्ट का और बेटर डिजाइन दे सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमें एक फायदा मिल जाता है कि हम प्रोसेस एनालिसिस के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को भी और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंस थी आपकी एसक्यूसी की, या आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ एसक्यूसी समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्रीली. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.